फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू वीयर, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। आज हम बात करें ऑर्डर 33 की, सिविल प्रोसीजर कोड के। तो जो ऑर्डर 33 है वो है सूट बाय इंडिजेंट पर्सन। इट मींस कि निर्धन व्यक्ति द्वारा, गरीब व्यक्तियों के द्वारा बात कैसे संस्तुत किया जाएगा कोर्ट में, इसके बारे में बात करता है ऑर्डर 33। और इसके मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में रूल 4 तक बता चुकी हूँ। उसका लिंक जो है आपको आई बटन पे या आपको वीडियो के एंड में, एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, वहां से आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो की। रूल 5 कहता है कि आवेदन का नामंजूर किया जाना, निधन व्यक्ति के रूप में बाद लाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन न्यायालय द्वारा नामंजूर कर देगा यदि जहां नियम 2 या 3 के वर्णित रीति से उसकी विरचना नहीं की गई है या वह उपस्थापित नहीं किया गया है। रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन कब होगी? जब कोई निधन व्यक्ति द्वारा कोई बात लाया जाता है तो उसका रिजेक्शन कब होगा, आवेदन का नामंजूर कब किया जाएगा, इसके बारे में बात करते हैं। और जहां आवेदक निधन व्यक्ति नहीं है वहां क्या है, और जहां उसने आवेदन उपस्थापित करने से ठीक पहले वाले 2 मास के भीतर कपटपूर्वक या इसलिए कि वह निधन व्यक्ति के रूप में बाल लाने के अनुज्ञा के लिए आवेदन कर सके, किसी संपत्ति का व्ययन कर दिया है, यानी कि इसने कोर्ट को यह दिखाने के लिए कि वह गरीब हो चुका है, निर्धन हो चुका है, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति या अपनी जो मूल पैसे हैं वो किसी और को ट्रांसफर कर दिए हैं और अपने को गरीब बता दिया है, निर्धन बता दिया है, इंडिजेंट पर्सन बता दिया है, तो उस केस में अगर कोर्ट को लगता है तो वो कोर्ट रिजेक्ट कर सकती है एप्लीकेशन। और परंतु यदि आवेदक द्वारा व्यनित संपत्ति के मूल्य को हिसाब में लेने पर भी आवेदक निधन व्यक्ति के रूप में बाल लाने का हकदार है तो किसी आवेदन को नामंजूर नहीं किया जाएगा। लेकिन वास्तव में लगता है, सारा टोटल करने के बाद लगता है कि नहीं, ये व्यक्ति क्या है, इंडिजेंट पर्सन है, तो वह क्या करेगा, कोर्ट में केस ला सकता है। नेक्स्ट कहते हैं कि जहां इसमें अभिकथनों में वाद हेतु दर्शन नहीं होता या जहां उसके प्रतिस्थापित बात की विषय वस्तु के बारे में कोई ऐसा करार किया गया है जिसके अधीन किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसी विषय वस्तु में हित अभिप्राप्त कर लिया है या जहां आवेदन ने आवेदक द्वारा किए गए अभिकथनों में यह दर्शित होता है कि वह वास्तव समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा वर्जित है, कि जो वह कोर्ट में वाद ला रहा है, केस ला रहा है, वह किसी विधि के द्वारा पहले ही वार्ड है, या जहां किसी अन्य व्यक्ति ने मुकदमेबाजी के वित्त पोषण के लिए उसके साथ करार किया है। तो इस तरीके से अगर कोर्ट को पता चलता है कि इन सर्कमस्टांसेस में क्या है, केस करा जा रहा है, तो कोर्ट क्या है, उस जो आवेदन है, एप्लीकेशन, उसको रिजेक्ट कर सकती है, नामंजूर कर सकती है। नेक्स्ट आते हैं रूल 6। रूल 6 कहता है आवेदक की निधनता के बारे में साक्ष्य लेने के दिन की सूचना, नोटिस ऑफ डे फॉर रिसीविंग एविडेंस ऑफ एप्लीकेंट इंडिजेंसी। जहां न्यायालय की आवेदन के नियम 5 में वर्णित कथित आधारों में से किसी पर नामंजूर करने के लिए कोई कारण नहीं है, जो मैंने आपको अभी प्रीवियस बताया रूल 5, अगर इसमें किसी तरह से नामंजूर नहीं की जाती है एप्लीकेशन, वहां वह ऐसे साक्ष्य को जो आवेदक अपनी निधनता के सबूत में दे लेने के लिए और ऐसे साक्षी की सुनवाई के लिए जो उसको नासाबित करने के लिए दिया जाए दिन नियत करेगा जिसकी कम से कम पूरे 10 दिन की सूचना विरोधी पक्ष का या सरकारी प्लीडर को दी जाएगी। तो इसकी जो सूचना है वो क्या है, सरकारी प्लीडर जो वकील है उसको दी जाएगी और विरोधी पक्षकार को दी जाएगी। तो ये बात करता है रूल 6। नेक्स्ट आते हैं रूल 7। रूल 7 कहता है सुनवाई की प्रक्रिया क्या होगी, प्रोसीजर एट हेयरिंग। तो ऐसे नियत दिन को जो या उसके पश्चात यथाशीघ्र सुविधा अनुसार न्यायालय दोनों पक्षकारों द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों की परीक्षा करेगा और आवेदक या उसके अभिकर्ता की भी परीक्षा करेगा और उसके साक्ष्य का पूर्ण अभिलेख तैयार करेगा, रिकॉर्ड में करेगा सारा कुछ जो भी एविडेंस लेता है कोर्ट। उपनियम 1 के अधीन साक्ष्यों की परीक्षा नियम 5 के खंड ख, ग और घ में
निर्दिष्ट विषयों पर तक की सीमित रखी जाएगी, किंतु आवेदक या उसके अभिकर्ता की परीक्षा नियम 5 के विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी के संबंध में हो सकेगी। जो रूल 5 के जो शर्तें दी हुई हैं, अगर वो इनकम्प्लीट होती है तो उस केस में ऐसे की एविडेंस लिया जाएगा, साक्ष्य परीक्षा की जाएगी कि क्या वह वास्तव में सही कह रहा है, क्या वह वास्तव में गरीब व्यक्ति है, इंडिजेंट पर्सन है। नेक्स्ट आते हैं सब रूल 2 कहता है रूल 7 का कि न्यायालय ऐसे तर्क भी सुनेगा जिसे पक्षकार इस प्रश्न पर देना चाहे कि क्या आवेदक ने ऐसे साक्ष्य जो न्यायालय में लिया गया हो देखते ही यह प्रकट है कि आवेदक नियम 5 के निर्दिष्ट प्रतिषेधों में से किसी के अधीन है या नहीं। अगर यानी कि तुरंत ही कोर्ट देखता है सुनता है उसे पता चल जाता है कि नहीं यह इस किसी शर्त के रूल 5 में जो शर्तें दी हुई हैं उसमें किसी के अंदर नहीं है या है तो सारा कुछ, तो उसके हिसाब से वो कोर्ट डिसीजन लेगी। नेक्स्ट आते हैं सब रूल 3, तब न्यायालय आवेदक को निधन व्यक्ति के रूप में बाद लाने के लिए अनुज्ञा करेगा और अनुज्ञा करने से इनकार करेगा। तो कोर्ट क्या है, केस के सरकम चांसेस को देखते हुए कि वह इंडिजेंट पर्सन है या नहीं, वह बाद ला सकता है कोर्ट में नहीं ला सकता, उसके केस डिसाइड करेगा सब रूल 3 के तहत। नेक्स्ट आते हैं रूल 8। रूल 8 कहता है यदि आवेदन ग्रहण कर लिया जाए तो प्रक्रिया क्या होगी, प्रोसीजर इफ एप्लीकेशन एडमिटेड। जब जहां आवेदन मंजूर कर लिया जाता है कोर्ट के द्वारा वहां वह संख्यांकित या रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा और वह बाद में बात पत्र समझा जाएगा और उन सभी बातों में वह बाद मामूली रीति से संसद बात के रूप में आगे चलेगा। या नॉर्मली अगर कोर्ट ने परमिशन दे दी कि आप इंडिजेंट पर्सन के रूप में कोर्ट में केस कर सकते हैं तो उसके बाद जो प्रोसीजर होगा कि जो नॉर्मल सूट चलता है कोई भी केस का वैसा ही सूट वह प्रोसीड होगा कि और इस सिवाय इसके कि किसी वादी किसी याचिका प्लीडर की नियुक्ति या बाद में संसद अन्य कार्रवाई के संबंध में कोई न्यायालय फीस या आदेशकी की तामील के लिए देय फीस देने का दायी नहीं होगा। तो ये सारा कुछ बताया गया है रूल 8 में कि अगर ग्रहण कर लिया जाता है तो नॉर्मल केस की तरह ही केस चलेगा। नेक्स्ट आते हैं रूल 9। रूल 9 कहता है निर्धन व्यक्ति के रूप में बाद लाने की अनुज्ञा का प्रत्याहरण विड्रॉल ऑफ परमिशन टू स्यू एज ए इंडिजेंट पर्सन। अगर निर्धन व्यक्ति के रूप में बाल लाने से कोर्ट इनकार कर देती है तब क्या होगा, प्रतिवादी या सरकारी वकील के आवेदन पर जिसके पूरे 7 दिन की लिखित सूचना वादी को दे दी गई हो न्यायालय यह आदेश दे सकेगा कि वादी को निर्धन व्यक्ति के रूप में बाद लाने के लिए दी गई अनुज्ञा निम्नलिखित दशाओं में प्रत्याहत कर ली जाएगी, मना कर दी जाएगी, अर्थात यदि वादी बात के दौरान तंग करने वाले अनुचित आचरण का दोषी है, यानी कि जो केस ले आया है इंडिजेंट पर्सन के रूप में बाद में वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहा है, किसी तरह की आचरण जो है उसका व्यवहार है वो सही नहीं है, तो उस केस में वो है डिनाइड कर दी जाएगी। नेक्स्ट है कि यदि वह प्रतीत होता है कि वादी के साधन ऐसे हैं कि निधन व्यक्ति के रूप में उसे बाद नहीं करते रहना चाहिए तो उस केस में क्या है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या यदि वादी ने बात की विषय वस्तु के बारे में ऐसा कोई करार किया है जिसके अधीन किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसी विषय वस्तु में कोई हित प्राप्त कर लिया है तो उस केस में भी उसे निधन व्यक्ति के रूप में जो बाद ला रहा था उससे हटा दिया जाएगा प्रतिवादी या सरकारी वकील के आवेदन पर। नेक्स्ट आते हैं रूल 9A। रूल 9A कहता है कोर्ट असाइन अ प्लीडर टू एन अनरिप्रेजेंटेड इंडिजेंट पर्सन। जिस निधन व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व ना हो उसके लिए न्यायालय द्वारा प्लीडर नियुक्त किया जाएगा। जहां किसी ऐसे व्यक्ति का जिसे निधन व्यक्ति के रूप में बाद लाने की अनुज्ञा कोर्ट के द्वारा दे दी गई है प्रतिनिधित्व प्लीडर द्वारा नहीं किया जाता है, उसका जो केस को हैंडल किया है किसी एडवोकेट या प्लीडर के द्वारा नहीं किया जाता है, वह न्यायालय उसके लिए प्लीडर तब नियत कर सकेगा जब मामले की परिस्थिति में ऐसा करना अपेक्षित है। तो कोर्ट क्या है उसके लिए क्या है प्लीडर नियुक्त करेगी। नेक्स्ट आते हैं सब रूल 2 कहता है रूल 9A का कि उच्च न्यायालय राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित का उपबंध करने के लिए नियम बना सकेगा, अर्थात नियम 1 के अधीन नियत किसी किए गए प्लीडरों के चयन की रीति क्या होगी, न्यायालय द्वारा ऐसे प्लीडरों को दी जाने वाली सुविधाएं क्या होगी, कोई अन्य विषय जो नियम 1 के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए नियमों द्वारा अपेक्षित हो या उपबंधित किया जाए। तो जो कोर्ट है वो रूल बना सकती है कि क्या क्या वह कर सकती है जो प्लीडर नियुक्त किया जा रहा है उस निर्धन व्यक्ति के लिए इंडिजेंट पर्सन के लिए।
नेक्स्ट आते हैं रूल टेन। रूल टेन कहता है जहाँ निर्धन व्यक्ति सफल होता है वहाँ खर्चे। कोर्ट वेयर इंडिजेंट पर्सन सक्सीड, यानी कि कोर्ट में केस दाखिल किया इंडिजेंट पर्सन के रूप में और वो क्या है, कोर्ट केस में जीत जाता है, उसके फेवर में केस डिसाइड हो जाता है, तो क्या होगा, वो क्या खर्चे कोर्ट को जो उसने करे हैं, कोर्ट केस में जो खर्चे हुए हैं उसके इंडिजेंट पर्सन के रूप में क्या है कोर्ट लेगी। तो इसके बारे में बात करता है रूल टेन कि जहां वादी बाद में सफल हो जाता है वहां न्यायालय फीस की उस रकम की संगणना करेगी करेगा जो यदि उसे निर्धन व्यक्ति रूप में बाद लाने के लिए अनुज्ञा ना दी गई होती तो वादी द्वारा संदत की जाती। तो कोर्ट कहेगा कि अगर आप केस में सफल हो चुके हैं, आपके कोर्ट फेवर में केस आ चुका है, तो आप जो कोर्ट फीस है वो आप जमा कराएं, जैसे कि नॉर्मली किसी केस में कोई वादी या प्लेंटिफ कराता है। ऐसी रकम राज्य सरकार द्वारा उस पक्षकार से क्या है वसूलनीय होगी जो से संदत किए गए डिक्री द्वारा अधिष्ठ है और वह बात की विषय वस्तु में प्रथम बार होगी। तो वह क्या है मेन है, जब जो डिक्री तैयार होगी उसमें जो है सबसे पहला होगा कि वह कोर्ट की फीस जमा करे। नेक्स्ट आते हैं रूल 11। रूल 11 कहता है प्रक्रिया जब निर्धन व्यक्ति असफल हो जाता है, प्रोसीजर वे इंडिजेंट पर्सन फेल्स, पहले तो क्या हुआ सक्सीड हो गया, वह क्या हुआ सफल हो गया, केस उसके फेवर में डिसाइड हो गया। अब क्या हुआ केस यह है उसके वह सफल नहीं हुआ, उसके अंगेंस्ट केस डिसाइड हो गया इंडिजेंट पर्सन के, तो क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा कोर्ट के द्वारा। जहां वादी बाद में असफल हो जाता है, जो इंडिजेंट पर्सन है वो असफल हो जाता है और उसके अंगेंस्ट केस डिसाइड हो जाता है, या निधन व्यक्ति रूप में बाद लाने के लिए दी गई अनुज्ञा प्रयाहत कर ली जाती है, उसे वापस ले लिया जाता है, उसकी परमिशन जो है इंडियन पर्सन के रूप में बाद लाने की, या जहां बाद प्रत्याहत कर लिया जाता है या इन कारण से खारिज कर दिया जाता है कि उपसंजात होने उत्तर देने के लिए प्रतिवादी के नाम संबंध की तामील प्रतिवादी पर इस बात के परिणाम स्वरूप नहीं हो पाए कि वादी उसके ऐसी तामील के लिए प्रभार न्यायालय फीस या डाक महसूल यदि कोई हो देने में या बात पति या संक्षिप्त कथन की प्रतियां उपस्थित करने में असफल रहा है, या जब बात की सुनवाई के लिए पुकार हुई तब वादी उपसंजात नहीं हुआ, तो उस केस में क्या है कोर्ट रिजेक्ट कर, जो केस है रिजेक्ट खारिज कर दिया जाता है, वहां न्यायालय वादी को या वादी से में सहवादी के तौर पर जोड़े गए किसी व्यक्ति को आदेश देगा कि वह ऐसी न्यायालय फीस दे दे जो यदि निर्धन व्यक्ति के रूप में बाद लाने के लिए अनुज्ञा नहीं किया गया होता तो वादी द्वारा दी जाती। तो इस तरीके से कि संबंध जो है देने के लिए प्रतिवादी को उसकी कॉपी देने के लिए जो फीस है वो नहीं दे पाया, इस चक्कर में खारिज हो गई है, तो इसमें क्या है क्या प्रोसीजर होगा ये बताया गया रूल 11 में। नेक्स्ट आते हैं रूल 11A जो कहता है कि निधन व्यक्ति के रूप में उपशमन या पर प्रक्रिया, जहां बात का उपशमन प्रोसीजर या इंडिजेंट पर्सन सूट अडेप्ट्स अवेट्स, जहां बात का उपशमन वादी की या सहवादी के तौर पर जोड़े गए किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण हो जाता है, वहां न्यायालय आदेश देगा कि न्यायालय फीसों की वह रकम जो वादी निधन व्यक्ति के रूप में बाद लाने की अनुज्ञा नहीं किया गया होता तो वादी द्वारा दी जाती, मृतक वादी की संपदा से राज्य सरकार द्वारा वसूलनीय होगी। तो क्या है अगर वह व्यक्ति मर जाता है और जो खर्चे हैं जो फीस है कोर्ट फीस है वो क्या है उसकी संपदा से, मृतक व्यक्ति है उसकी संपदा से वसूली जाएगी। नेक्स्ट आते हैं राज्य सरकार न्यायालय फीस के संदाय के लिए आवेदन कर सकेगी। स्टेट गवर्नमेंट में अप्लाई फॉर पेमेंट फॉर कोर्ट फीस, राज्य सरकार को अधिकार होगा कि न्यायालय से किसी समय नियम 10 नियम 11 और नियम 11A के अधीन न्यायालय फीस के संदाय का आदेश किए जाने का आवेदन करे, आवेदन कर सकती है राज्य सरकार। नेक्स्ट आते हैं कि राज्य सरकार का पक्षकार समझा जाना, राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट टू बी द डीम्ड एज पार्टी, राज्य सरकार बात के किसी भी पक्षकार के बीच नियम 10-11 या नियम 11A-B-12 के अधीन पैदा होने वाली सभी बातें बात के पक्षकारों के बीच धारा 47 के अर्थ में पैदा होने वाले पसंद समझी जाएगी। नेक्स्ट आते हैं रूल 14। रूल 14 कहता है कि न्यायालय फीस रकम की वसूली,
रिकवरी ऑफ अमाउंट ऑफ कोर्ट फीस। जहाँ नियम 10, 11 और 11A के अधीन आदेश किया जाता है, वहाँ न्यायालय डिक्री या आदेश की एक कॉपी तत्क्षण ही कलेक्टर को समझवाएगा। वसूली के लिए किए गए किसी ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कलेक्टर उसमें निर्दिष्ट न्यायालय फीसों की रकम संदत करने के लिए दायी व्यक्ति या संपत्ति में से किसी ऐसी रकम की वैसे ही वसूल कर सकेगा मानो वह भू राजस्व का बकाया हो। तो इस तरीके से जो भू राजस्व का बकाया की तरह ही वो कोर्ट फीस क्या है वसूल कर सकेगा। नेक्स्ट आते हैं कि निर्धन व्यक्ति के रूप में बाहर लाने के लिए आवेदक को अनुज्ञा देने से इनकार करने वाले के कारण वैसी ही प्रकृति के पश्चातवर्ती आवेदन का वर्जन। रेफ्यूजल टू अलाउ एप्लीकेंट टू स्यू एन इंडिजेंट पर्सन टू वार सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन ऑफ लाइक नेचर। निधन व्यक्ति के रूप में वार लाने के लिए आवेदक को अनुज्ञा देने से इनकार करने वाले आदेश वार लाने के उसी अधिकार के लिए उसके द्वारा वैसी प्रकृति किसी भी पश्चातवर्ती आवेदन के लिए वर्जन होगा। अगर उसे निधन व्यक्ति के रूप में वार लाने से मना कर दिया गया है तो वह क्या है नॉर्मल अगर कोर्ट में केस का दाखिल करना चाहता है तो वह मना कर दिया जाएगा, वर्जित हो जाएगा। किंतु यदि अधिकार के संबंध में मामूली रीति से वार संस्तुत करने के लिए आवेदक स्वतंत्र होगा, परंतु यदि वह निधन व्यक्ति के रूप में वार लाने की इजाजत के लिए अपने आवेदन का विरोध करने में राज्य सरकार द्वारा या विरोधी पक्षकार द्वारा उपलब्ध किए गए खर्चों का या वार संस्तुत किए जाने के समय या उसके पश्चात ऐसे समय के भीतर जो न्यायालय अनुज्ञित करे सुनवाई नहीं करता है तो वार पत्र नामंजूर कर दिया जाएगा। ये बताया गया रूल 15 में। रूल 16 क्या बात करता है? रूल 15A बात करता है कि न्यायालय फीस के संदाय के लिए समय का दिया जाना, ग्रांट ऑफ टाइम फॉर पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस। नियम 5, नियम 7 और नियम 15 की कोई बात न्यायालय को नियम 5 के अधीन आवेदन को नामंजूर या नियम 7 के अधीन आवेदन को अनुज्ञात करने से इनकार करते समय इन बातों से नहीं रोकेगी कि वह आवेदक को अपेक्षित न्यायालय फीस का ऐसे समय के भीतर संदाय करने के लिए समय दे जो न्यायालय द्वारा नियत किया जाए, और समय समय पर उसके द्वारा बढ़ाया जाए और ऐसे संदाय के जाने पर या नियम 15 में निर्दिष्ट खर्चों का उस समय के भीतर संदाय किए जाने पर दिए जाने पर यह समझा जाएगा कि बाद उस तारीख को संस्तुत किया गया था जिस तारीख को निधन व्यक्ति के रूप में बाद लाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन उपस्थापित किया गया था। तो ये फ्रेंड नेक्स्ट आते हैं रूल 16। रूल 16 कहता है कि निधन व्यक्ति के रूप में बाद लाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन के और निधनता के जाँच के करने के खर्चे बाद के खर्चे होंगे। यानी कि निधन व्यक्ति है नहीं है ये सारा कुछ अगर वह कोर्ट डिसाइड कर देती है और वह सफल होता है तो सारे खर्चे उस निधन व्यक्ति द्वारा लिए जाएंगे। द कॉस्ट ऑफ एनी एप्लीकेशन फॉर परमिशन ऑफ यू एज एन इंडिजेंट पर्सन एंड ऑफ एन इंक्वायरी एजेंसी शैल बी कॉस्ट इन द सूट। विवाद के खर्चे कहलाएंगे। नेक्स्ट आता है रूल 17। निधन व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद, डिफेंस वाय इंडिजेंट पर्सन। ऐसे किसी प्रतिवादी किसी ऐसे प्रतिवादी को जो मुजरा प्रतिदावे का विवेचन करने की वांछा करता है निधन व्यक्ति के रूप में दावा अभिकथित करने की अनुज्ञा दी जा सकेगी और इस आदेश में अंतर्विष्ट नियम जहां तक हो सके उसे इस प्रकार लागू होंगे मानव वादी हो या उसका लिखित कथन बात पत्र हो। यानी कि जैसे वादी के रूप में कोर्ट में केस दाखिल करना चाहता है अगर वह प्रतिवादी के रूप में इंडिजेंट पर्सन के रूप में केस दाखिल करना चाहता है तो सेम रूल अप्लाई होंगे। नेक्स्ट आते हैं रूल 18। लास्ट रूल है इसका। तो वो कहता है कि निधन व्यक्ति के लिए मुफ्त विधिक सेवाओं की व्यवस्था करने की केंद्र सरकार की शक्ति, पावर ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर फ्री लीगल सर्विस टू इंडिजेंट पर्सन। इस आदेश के उपबंधों के अधीन रहते हुए केंद्र सरकार राज्य सरकार उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें निधन व्यक्ति के रूप में वार लाने की अनुज्ञा दी गई है मुफ्त विधिक सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए ऐसे अनुपूरक बना सकेगी जो है ठीक समझे। तो केंद्र सरकार राज्य सरकार उन्हें सुविधा दे सकेगी इंडिजेंट पर्सन को कि वे केस लड़ सकेगा कोर्ट ने परमिशन दे दी है। तो नेक्स्ट आता है कि उच्च न्यायालय नियम 1 के निर्दिष्ट निधन व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए अनुपूरक उपबंधों को
कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन में नियम बना सकेगा और नियमों के अंतर्गत ऐसी विधिक सेवाओं की ऐसी प्रकृति या विस्तार या वे शर्तें भी लागू होंगी जिनके अधीन ऐसी सेवाएं उपलब्ध की जा सके कराई जा सकेंगी और वे विषय होंगे जिसके बारे में वे अभिकरण भी होंगे जिसके माध्यम से ऐसी सेवाएं की जाएंगी। तो ये बताया गया है रूल 18 में कि अगर निर्धन व्यक्ति के लिए मुफ्त विधिक सेवाओं की व्यवस्था करने की केंद्र सरकार की शक्ति, राज्य सरकार, केंद्र सरकार इंडिजेंट पर्सन के लिए व्यवस्था कर सकता है, उनको केस लड़ने के लिए क्या है, उन्हें न्याय दिलाने के लिए व्यवस्था कर सकता है। तो फ्रेंड, ये कंप्लीट हुआ ऑर्डर 33 का रूल 18 तक। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैं रूल 4 तक बता चुकी हूँ, आज स्टार्ट किया है रूल 5 तक। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को वीडियो के एंड में देख सकते हैं। फ्रेंड, इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।